नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गंगापार जंक्शन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्नों को कराएंगे जो NTPC की परीक्षा में पूछे गए हैं, और इससे पहले भी एक वीडियो बनाया जा चुका है इससे संबंधित, उसमें जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा चुका है। तो आज हम इस वीडियो में जो है 18 अप्रैल 2016 का शिफ्ट 2 के पेपर में जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हर पेपर में, हर सेट में आपको एक सवाल जो यहां से पूछा जा रहा है वेन डायग्राम से। एक सवाल का मतलब है 3-4 सवाल, क्योंकि एक सवाल यहाँ पर पूछा जाता है और उससे संबंधित 3-4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो 18 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा, उससे आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आने वाले वीडियोज में और भी मैं प्रश्न आपको करा दूंगा। तो देखिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किसी शहर के एक कॉलेज के सभी 3200 विद्यार्थियों को 3 भाषाओं अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी में कम से कम 1 भाषा आती है। 2400 को अंग्रेजी आती है, 1700 को तेलुगु आती है, 800 को हिंदी आती है, 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है, 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, 300 को तेलुगु और हिंदी आती है, तथा केवल 100 को तीनों भाषाएं आती हैं। ये सवाल है, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, ये सवाल है और इस पर बेस्ड जो सवाल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहली चीज़ है, इसमें कितने चीज़ों की बात की गई है, कितने एलिमेंट हैं। तो इसमें जो है 3 चीज़ों की बात की है, 3 भाषाओं के बारे में बात की गई है। कौन कौन सी है? अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी। तो 3 चीज़ों की बात की गई। तो सबसे पहले काम जो होता है वेन डायग्राम के सवालों को लगाने के लिए, आपको 3 सर्किल बना लेने हैं। 3 सर्किल आपको बना लेने हैं इस तरीके से, ठीक है। अब आप कहेंगे इन तीनों को आपने एक दूसरे से कनेक्टेड क्यों कर दिया, अलग अलग भी तो बना सकते थे। पर ये चीज़ें आपको सवाल को पढ़कर आपको आएंगी, जब आप सवाल पढ़ेंगे ध्यान से। देखिए, सवाल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तीनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो भाषाएं यहाँ पर दी गई हैं अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी, वो देखें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसकी जो आप अगर कंडीशंस को पढ़ेंगे, देखिए 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है, 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, 300 को तेलुगु और हिंदी आती है। तो ये तीनों देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए जो 3 सर्किल मैंने बनाए हैं वो तीनों को एक दूसरे से कनेक्टेड कर दिया है। अब इन तीनों सर्किल को एक एक चीज से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये वाला सर्किल जो है अंग्रेजी को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं अंग्रेजी, ठीक है। और ये वाला सर्किल जो है दूसरी भाषा कौन सी है? तेलुगु। ये वाला सर्किल जो है वो तेलुगु भाषा को प्रदर्शित करेगा, और ये वाला सर्किल की बात करें तो ये जो है हिंदी भाषा को प्रदर्शित करेगा। टोटल विद्यार्थी 3200 हैं। अब आगे पढ़िए, इतना आप बना लेंगे। आगे पढ़िए क्या कह रहा है कि 2400 को अंग्रेजी आती है। 2400 को अंग्रेजी आती है, अभी हमें कुछ पता है नहीं, अंदर भर नहीं सकते हैं, तो इसके साइड में हम लिख लेते हैं 2400 को अंग्रेजी आती है, 1700 को तेलुगु आती है, तो 1700 हम तेलुगु के बगल में लिख लेते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए, 800 को हिंदी आती है, तो 800 हम हिंदी के बगल में लिख लेते हैं। इतना आप प्रदर्शित कर लीजिए। अब आगे इसकी जो कंडीशंस दी हैं, जो शर्तें दी हैं, उनको हम पढ़ते हैं। पहली शर्त दी है 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है। 1000 को जो है अंग्रेजी और तेलुगु आती है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाले भाग की बात की जा रही है। बोल रहा है कि 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है। अब आप कहेंगे 1000 इसमें भर दीजिए, तो अभी हम 1000 इसमें नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट जो है, ये वाले पार्ट की अगर बात करें, कुछ पार्ट हिंदी का भी है, कुछ विद्यार्थी जो हैं वो हिंदी के भी हैं जो है, ठीक है। तो इसको अभी हम अंदर नहीं भर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है, तो इसके ऊपर हम लिख लेते हैं 1000। तो यहाँ से हमें थोड़ा क्ल्यू मिल जाएगा कि 1000 किनके किनके बीच है, जिनको अंग्रेजी और तेलुगु भाषा आती है, ठीक है। अब आगे पढ़िए दूसरी कंडीशन क्या बोला है, 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है। अंग्रेजी और हिंदी कहाँ पे, देखिए अंग्रेजी हिंदी, मतलब इस वाले पार्ट की बात की जा रही है। 500 को जो है क्या अंग्रेजी और हिंदी आती है, इसके बीच की, तो अभी तो हम इसमें भर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट तेलुगु के कुछ विद्यार्थी हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक थोड़ी आसानी रहेगी कि 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है। नेक्स्ट पढ़िए, 300 को तेलुगु और हिंदी आती है। तेलुगु और हिंदी मतलब ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट की बात की जा रही है, ठीक है। ये 300 को तेलुगु और हिंदी आती है, तो अभी हम भर नहीं सकते, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट अंग्रेजी के विद्यार्थियों का भी है, तो हम क्या करते हैं इसके साइड में लिख लेते हैं 300, ठीक है। 300 को तेलुगु और हिंदी आती है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए,
एक और कंडीशन दी गई, केवल 100 को तीनों भाषाएं आती हैं, 100 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको तीनों भाषाएं आती हैं। अब यहां से आप एक चीज आपको मिल गई होगी कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये तीनों से इंटरकनेक्टेड है, तो यही है 100। ठीक है, तो 100 को तीनों भाषाएं आती हैं, तो यही 100 है। बस अगर आपको ये चीज मिल जाती है तो उसके बाद आप आसानी से इसको फिल कर सकते हैं। देखिए 100 ये हो गया, और ये टोटल कितना था, ये टोटल जो था ये 1000 था, तो ये कितना बचा, 900। इसी प्रकार देखिए ये 100 हो गया, ये टोटल कितना था, 500। अंग्रेजी और हिंदी कितने को आती थी, 500 को, पर 100 इसमें से आपको निकालना है, तो ये आ जाएगा 400। इसी प्रकार इसमें देखिए ये 100 है और ये टोटल कितना है, 300, तो ये कितना बचेगा, 200। बस इतना आपको करना है, तो ये आपने आप भर लिया है। अब आगे देखते हैं, इसको आप हटा दीजिए। अब इस वाले पार्ट की बात करेंगे, ये वाला जो पार्ट है, तो ये पार्ट जो होगा वो केवल का होगा, मतलब केवल का मतलब है ये वाला पार्ट केवल हिंदी वालों का होगा, ये वाला पार्ट जो है केवल तेलुगु वालों का होगा, ये वाला पार्ट केवल अंग्रेजी वालों का होगा। केवल आपको ध्यान रखना है, ये केवल वालों का पार्ट होगा, केवल वालों का भाग होगा। अब हम बात करेंगे केवल अंग्रेजी वाले कितने हैं, केवल जिनको केवल अंग्रेजी आती है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, टोटल कितने अंग्रेजी में, 2400 विद्यार्थियों को आती है, तो इसको देखिए 400, 100, 500 और 900 कितने हो गए, 1400। टोटल हैं कितने, 2400, तो 1000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको केवल, ये केवल वाला पार्ट है, केवल अंग्रेजी आती है। ठीक है, अब आगे देखिए सभी का केवल निकाल लीजिए। केवल हिंदी की बात करें तो देखिए हिंदी के जोड़ लीजिए, 400 और 100, 500, 200 कितने हो गए, 700। और हिंदी आती कितने विद्यार्थियों को, 800। तो 100 जो हैं वो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको केवल, तो आपको ध्यान रखना ये केवल वाले पार्ट हैं, केवल मैं आपको लिख दे रहा हूँ, केवल। ठीक है, अब हम बात करेंगे केवल तेलुगु वालों की, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको केवल तेलुगु आती है, तो देखिए 900 और 100 1000, 1200 हैं कितने हैं, तेलुगु जिनको आती है 1700, तो ये कितने आ जाएंगे, 500। तो 500 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको केवल तेलुगु आती है। बस इतना आपको बनाना है वेन डायग्राम वाले सवालों में। अब इतना बनाने के बाद जो भी प्रश्न आपसे जाए, 3 पूछे जाए, 4 पूछे जाए, 5 पूछे जाए, उन प्रश्नों को आप विद इन सेकेंड्स में सोल्व कर सकते हैं। बस इतना बनाने के बाद अब आप प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो इस पर बेस्ड पूछा गया है, कितनों को तीनों में से केवल एक भाषा आती है, कितनों को तीनों में से केवल एक भाषा आती है, तो केवल एक भाषा आती है, तो केवल वालों को आप जोड़ लेंगे, इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए केवल वालों को जोड़ लिए, केवल अंग्रेजी आती है 1000 को, केवल हिंदी की बात करें तो ये आती है 100 विद्यार्थियों को, केवल तेलुगु की बात करें तो ये आती है 500 को, इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1600। तो यही आपका पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 1600 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको केवल एक भाषा आती है, केवल एक, केवल वालों को हमने जोड़ लिया, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल इसी पर बेस्ड आपसे पूछा गया है, सवाल है कितनों को केवल हिंदी आती है, कितनों को केवल हिंदी आती है, हिंदी का ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था केवल वाला होता है, तो कितनों को केवल हिंदी आती है, तो 100 हैं, 100 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको केवल हिंदी आती है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक बार जब आपका फिगर बन जाता है उसके बाद जो भी सवाल आपसे पूछे जाए 3, 4, 5 उनको आप विद इन सेकेंड में फिगर से फिगर तुरंत आप उनको बता सकते हैं। ठीक है, तो केवल हिंदी आती है 100 को, तो इसका आंसर जो है सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कितनों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है, टोटल विद्यार्थी कितने थे, टोटल विद्यार्थी थे 3200। अब हम क्या करेंगे, टोटल विद्यार्थी हमें पता है 3200 सवाल में दिया गया था, अब इनको सबको आप ऐड करेंगे, इनको सबको ऐड करने के बाद 3200 से घटा देंगे, जो बचेगा वही आएगा जिनको कोई भी भाषा नहीं आती है। ठीक है, जिनको कोई भी भाषा नहीं आती है, इतने लोग हैं जिनको कोई ना कोई भाषा आ रही है, तो इनको हम ऐड कर लेंगे और टोटल में से घटा देंगे, वो जो विद्यार्थी आएंगे वो ऐसे विद्यार्थी आएंगे जिनको कोई भाषा नहीं आती है, तो इनको जोड़ लीजिए सबको, देखिए 100 और 900, 1900, 100, 2000, 400, 2400, 2400, 2500, 2502, 2700, 2750, 3200, तो टोटल आ गया इसका 3200, जो 3200 को 3200 से घटा देंगे 0 आएगा, तो इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो कितनों को एक ही भाषा नहीं आती है, तो ऐसे 0 विद्यार्थी हैं जिनको एक ही भाषा नहीं आती है। तो ये 3 सवाल आपसे पूछे गए थे 18 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 2 के पेपर में, इस वेन डायग्राम पर आधारित।
तो इस तरीके से आपको लगाने हैं। देखिए आप समझ गए होंगे, थोड़ा कंसेप्ट आपको बन गया होगा किस तरीके से वेन डायग्राम के सवालों को लगाना। एक बार जब आपका फिगर बन जाएगा उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, 2-3 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो फिगर भी बनाने में कुछ खास नहीं है। चलिए एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। 18 अप्रैल 2016 के NTPC के पेपर Shift 3 का, ये Shift 2 का था। अब हम देखते हैं Shift 3 में जो है वेन डायग्राम का कौन सा सवाल पूछा गया है, क्योंकि हर सेट में आपसे पूछा गया है वेन डायग्राम का, और जो होगा पेपर उसमें भी पूछा जाएगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं, सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सवाल दिया गया है, नीचे दी गई जानकारी को पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। क्या जानकारी दी गई है? एक प्रकाशन फर्म डेक्कन हेराल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन क्रॉनिकल नामक अखबारों का प्रकाशन करती है। यहाँ पर 3 अखबारों की बात की गई, इससे पहले वाले में 3 भाषाओं की बात की गई थी, ठीक है। इन अखबारों में विज्ञापन डालने हैं तो विज्ञापनदाताओं को समझाने के लिए फर्म संभावित विज्ञापनदाताओं को निम्नलिखित ब्यौरा प्रदान करती है। पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले नमूनों के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि डेकन हेराल्ड अखबार 26% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया 25% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, डेकन क्रॉनिकल अखबार 14% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। डेकन हेराल्ड अखबार और टाइम्स ऑफ इंडिया 11% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया और डेकन क्रॉनिकल 10% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, डेकन क्रॉनिकल और डेकन हेराल्ड 9% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, और केवल डेकन क्रॉनिकल अखबार 0% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, देखिए हम आपको बताते हैं। 3 चीज़ों की बात की गई यहाँ पर, पहले 3 भाषाएं थी, यहाँ पर 3 अखबार हैं। कौन कौन से 3 अखबार हैं? डेकन हेराल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेकन क्रॉनिकल। 3 चीज़ों की बात करिए, 3 सर्किल बनाएंगे। अब तीनों सर्किल को हम इंटरकनेक्टेड बनाएंगे, एक दूसरे से कनेक्ट हों। क्यों? क्योंकि इसकी जो कंडीशन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो तीनों को हम एक दूसरे से कनेक्टेड करते हुए 3 सर्किल बनाएंगे, ठीक है। इसमें भी हम तीनों को कनेक्टेड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो कंडीशन इसकी दी गई है वो एक दूसरे से सभी कनेक्टेड हैं, इसलिए मैंने तीनों को एक दूसरे से कनेक्टेड किया गया है। अब हम इसको नाम दे देते हैं। तो पहला सर्किल को हम नाम देते हैं, ये वाला सर्किल प्रदर्शित करेगा डेकन हेराल्ड, डेकन हेराल्ड, ठीक है। ये वाला जो करेगा डेकन हेराल्ड को। अब दूसरा देखिए, ये वाला सर्किल की बात करें तो ये हम मान लेते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। ये वाला सर्किल टाइम्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला सर्किल की बात करें तो ये डेक्कन क्रॉनिकल, डेक्कन क्रॉनिकल। 3 सर्किल बना लिए हैं, तीनों को हमने प्रदर्शित कर लिया, ये डेक्कन हेराल्ड को, ये टाइम्स ऑफ इंडिया को, ये डेक्कन क्रॉनिकल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी जो शर्तें दी गई उनको आप पढ़िए। पहली शर्त दी गई डेकन हेराल्ड 26% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। डेकन हेराल्ड जो है 26% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। अब ये हम अंदर कुछ नहीं फिल करेंगे, सिर्फ जो दिया है उसको उसके साइड में लिख लेंगे। 25% लोग जो है टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 25% लोग जो है टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, और बोला गया 14% डेकन क्रॉनिकल, तो 14% डेकन क्रॉनिकल पढ़ते हैं। इतना आप बना लेंगे। आगे देखिए और कंडीशन जो दी गई उनको पढ़िए। आगे कंडीशन दी गई है डेकन हेराल्ड अखबार और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार 11% पढ़ा जाता है। 11% लोग पढ़ते हैं किसको? डेकन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया को 11% पढ़ते हैं। तो डेकन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया का जो पार्ट कौन सा है? तो पार्ट जो कॉमन आ रहा है वो ए वाला पार्ट है। तो इस वाले पार्ट की बात की जा रही है, तो ए लोग जो हैं ये 11% पढ़ते हैं। तो अंदर तो अभी भर नहीं सकते 11, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट डेकन क्रॉनिकल के भी कुछ हैं जो पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है लिख देते हैं 11%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया और डेकन क्रॉनिकल 10% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया और डेकन क्रॉनिकल जो है 10% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। इनके बीच का दो कॉमन एरिया है वो ये वाला है, इस वाले एरिया की बात कीजिए, ये 10% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। अभी भर नहीं सकते क्योंकि इसमें कुछ लोग जो है डेकन हेराल्ड के भी हैं, तो हम बाहर लिख देते हैं इसके 10%, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट कंडीशन है डेकन क्रॉनिकल और डेकन हेराल्ड, डेकन क्रॉनिकल और डेकन हेराल्ड ये क्या कह रहे हैं, 9% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। डेकन हेराल्ड और डेकन क्रॉनिकल 9 लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। इस वाले कॉमन, इन दोनों के बीच कॉमन एरिया कौन सा है? ये वाला कॉमन एरिया है। इस वाले कॉमन एरिया की बात की जा रही है, ये कितने परसेंट? 9% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। लेकिन अभी हम अंदर नहीं भर सकते क्योंकि इसमें कुछ पार्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के लोगों का है, तो हम इसके बाहर लिख देते हैं 9%, ठीक है। इतना आपने लिख लिया है, सभी को बाहर लिख लिया है। लास्ट कंडीशन दी गई केवल डेकन क्रॉनिकल अखबार 0% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। केवल, केवल वाला पार्ट में आपको इससे पहले वाले सवाल में बता दूं, ये वाले जो पार्ट होते हैं ये होते हैं केवल। तो केवल ये वाला पार्ट क्या है, केवल डेकन क्रॉनिकल का। ये वाला पार्ट क्या है, केवल टाइम्स ऑफ इंडिया का। ये वाला पार्ट क्या है, केवल डेकन हेराल्ड का, ठीक है। तो इसमें जो कंडीशन दी गई है
केवल डेकन क्रॉनिकल अखबार 0% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, केवल डेकन क्रॉनिकल। तो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ से लेके ये वाला, ये केवल वाला होता है, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ तक आप बना लेंगे, ये बन चुका है, जितनी उसने जानकारी दी थी उसके आधार पर इतना आपको फिगर बन जाएगा। अब इनको आप अंदर कैसे भरेंगे, अभी इससे रिलेटेड कोई क्ल्यू आपको नहीं मिला है, उसको निकालने के लिए हम देखते हैं। देखिए हम इसी की बात करते हैं, डेकन क्रॉनिकल की आप बात कर लीजिए। देखिए ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है 9%, और ये वाला पार्ट क्या है 10%, और ये टोटल जो है डेकन क्रॉनिकल है 14%। लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं ये वाला 9 है, ये 10 है, 19 हो रहा है। अगर इस टोटल की बात करें 10 और 9 कितना हो रहा है, 19 हो रहा है। लेकिन सवाल कह रहा है नहीं, डेकन क्रॉनिकल सिर्फ 14% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, कुछ एक्स्ट्रा जो आ रहा है कितना आ रहा है, 5% एक्स्ट्रा आ रहा है। आप समझ रहे हैं ना, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये 9% है, और ये वाले पार्ट की बात करें तो ये 10% है। अगर इस टोटल की बात करें डेकन क्रॉनिकल की, वो कितना होना चाहिए 14%, लेकिन हो कितना रहा है 19%। जो एक्स्ट्रा आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 19 में से 14 जाएंगे 5%, जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो कहाँ पे फिल हो जाएगा, वो यहाँ पे फिल हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसको आप दो बार काउंट कर रहे हैं, एक तो इस वाले पार्ट में भी आप काउंट कर रहे हैं 9% वाले में, और जब 10% वाला जो टाइम्स ऑफ इंडिया और डेकन क्रॉनिकल का है उसमें भी आप इसको काउंट कर रहे हैं, तो ये 5% ये इस कॉमन एरिया में आ जाएगा। इतना समझना है, इस सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे इतना समझ गए हैं तो आपको आप कुछ नहीं करना है, आपको जो 5% मिल चुका है उसके बाद आप देखिए ये टोटल 9% है, ये 4% हो जाएगा, ये टोटल 10% है तो ये 5% हो जाएगा, ये टोटल 11% है तो ये 6% हो जाएगा। बस अब आप इसको मिटा दीजिए, क्योंकि आपका जो है फिगर तैयार हो चुका। आप इस पर बेस्ड जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे आप इसको लगा सकते हैं। अब केवल वालों को और निकाल लीजिए, केवल डेकन हेराल्ड का कितना आ जाएगा, 4, 5, 9, 9, 6, 15 है, कितने टोटल 26, तो 15 में कितने जोड़ेंगे 26 हो जाएगा 11, जो केवल डेकन हेराल्ड पढ़ते हैं। अब टाइम्स ऑफ इंडिया का केवल वाला निकाल लीजिए, देखिए 6, 5, 11, 11, 5, 16 कितने करने हैं 25, 16, 9, 25, 9% जो हो गए वो टोटल जो केवल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आपका बन चुका है, अब इस पर बेस्ड जो सवाल है वो आप इसको लगा लीजिए। देखिए पहला सवाल इस पर बेस्ड पूछा गया है, कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबारों में से कम एक अखबार पढ़ते हैं, तीनों अखबारों में से केवल एक अखबार पढ़ते हैं, कम से कम एक अखबार पढ़ते हैं, तो आपको बस केवल वाला जोड़ लेने हैं। केवल देखिए, केवल डेकन हेराल्ड कितना है 11, केवल टाइम्स ऑफ इंडिया कितना है 9, केवल डेकन क्रॉनिकल कितना है 0, तो ये 20% आपका आ जाएगा, इसका आंसर 20% आ जाएगा। कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबारों में से कम एक अखबार पढ़ते हैं, तो वो 20% है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबार पढ़ते हैं, तो तीनों अखबार कितने प्रतिशत पढ़ते हैं, आप पहले कैलकुलेट इसको कर चुके हैं 5%। देखिए तीनों में कॉमन क्या है 5%, तो तीनों अखबार कितना पढ़ते हैं 5% जो है वो तीनों अखबार पढ़ते हैं। बस अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, कितने प्रतिशत पाठक डेकन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं लेकिन डेकन क्रॉनिकल नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए डेकन हेराल्ड कितने परसेंट लोग हैं, डेकन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया तो पढ़ते हैं लेकिन डेकन क्रॉनिकल नहीं पढ़ते हैं। आप फिगर को देखकर बता सकते हैं, देखिए डेकन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया के बीच जो कॉमन एरिया है वो यही वाला कॉमन एरिया है, और कह रहा है कि इसमें डेकन क्रॉनिकल का आप निकाल दीजिए, डेकन क्रॉनिकल के 5% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6%। यही तो कह रहा है, कितने परसेंट लोग जो हैं डेकन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया तो पढ़ते हैं लेकिन डेकन क्रॉनिकल नहीं पढ़ते हैं, तो डेकन क्रॉनिकल का 5% आप घटा देंगे, आपका 6% आंसर हो जाएगा, जो कि डेकन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं लेकिन डेकन क्रॉनिकल नहीं पढ़ते हैं। तो इस पर बेस्ड ये तीन सवाल पूछे गए थे। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको दो सवाल कराए हैं वेन डायग्राम के, 18 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के। इस आने वाले वीडियो में और भी सवाल लेकर आऊँगा जो भी 2016 के NTPC में पूछे गए हैं, इससे जो है आपका एक आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।